हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। आज के इस व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक, दैट इज रिसेप्टर्स। इसमें हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ रिसेप्टर, उससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनके रेस्पेक्टिव डायग्राम के साथ उसके अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। इसके पहले की वीडियो में यानी कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में हमने बात किया था एंजाइम के बारे में, आयन चैनल्स के बारे में, ट्रांसपोर्टर्स के बारे में, साथ ही हमने हल्का सा टच किया था व्हाट इज रिसेप्टर्स। तो आज के इस कंप्लीटली डेडिकेटेड वीडियो में हम बात करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। चूंकि रिसेप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने हर एक पार्ट को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके वीडियो बनाने का प्रयास किया है। और इस वीडियो में हम रिस्पेक्टिवली बात करने वाले हैं सिर्फ डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट टर्म्स की। अगले वीडियो में हम रिसेप्टर्स जुड़ी भी कुछ और बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिसेप्टर के डेफिनेशन के साथ। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल और बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द सर्फेस और इनसाइड द सर्फेस। मतलब रिसेप्टर एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, बाइंडिंग साइट हैं, जो सेल के सरफेस पर पाए जाएंगे या तो सेल के अंदर पाए जाएंगे। उनका जो मेन काम होता है वो होता है ड्रग के मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, सो दैट ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो सके और एट द लास्ट वो ड्रग जिस चीज़ को हम ले रहे हैं वो अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्स शो कर सके। इस डेफिनेशन में कुछ खास बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि इस रिसेप्टर के डेफिनेशन को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं और हमने उनको इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली नंबर से डिनोट किया हुआ है। सो पहला नंबर है हमारा बाइंडिंग साइट, या इसी को हम बोलते हैं रिसेप्टर। तो आइए समझ लेते हैं बाइंडिंग साइट होता क्या है। देखिए, इस डायग्राम में हम समझेंगे बाइंडिंग साइट को। सबसे पहले जानते हैं बाइंडिंग साइट का सिंपल सा डेफिनेशन। बाइंडिंग साइट यानी कि ऐसी साइट, ऐसी जगह, ऐसा लोकेशन जिस पर कि आकर के कोई ड्रग मॉलिक्यूल, सिग्नल मॉलिक्यूल या लिगेंड मॉलिक्यूल आकर के बाइंड हो सके। तो सिग्नल मॉलिक्यूल को बाइंड होने के लिए जो जगह है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट। और ये बाइंडिंग साइट या तो सेल के सरफेस पे हो सकता है या तो सेल के अंदर हो सकता है। तो अगर सेल के सरफेस पे होगा तो ड्रग मॉलिक्यूल, सिग्नल मॉलिक्यूल डायरेक्टली उस बाइंडिंग साइट पर अटैक होकर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। और यही अगर बाइंडिंग साइट सेल के अंदर होगा, जिसको हम आगे समझेंगे, तो उसको अंदर आके मूव करना पड़ेगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये रिसेप्टर का बाइंडिंग साइट है और ये ड्रग मॉलिक्यूल है, सिग्नल मॉलिक्यूल है या लिगेंड मॉलिक्यूल है। तो ये ड्रग सिग्नल मॉलिक्यूल आकर के अपने रेस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट पे बाइंड होंगे, उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे, देन दे विल फॉर्म अ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, देन अल्टीमेटली दे गिव देयर रेस्पेक्टिव एक्शन। यहां पे स्पेसिफिसिटी का मतलब यह है कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा वो अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी या सिलेक्टिव रिसेप्टर के साथ ही बाइंड हो पाएगा। सो दिस इज बाइंडिंग साइट। जहां पे ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड हो वो कहलाता है इसका बाइंडिंग साइट। दूसरा जो वर्ड है वो है सरफेस और इनसाइड, और ये दिखाता है कि उसकी लोकेलिटी क्या है, मतलब रिसेप्टर की अवेलेबिलिटी किस जगह पे है। क्या वो रिसेप्टर सेल के सरफेस पे है या क्या वो रिसेप्टर सेल के अंदर है। अगर ऊपर यानी कि सरफेस पे होगा तो ड्रग मॉलिक्यूल सीधे रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट पे आके अटैच होगा और अपना एक्शन शो करेगा। बट अगर वो ड्रग जो आपके रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट पे बाइंड होने वाला है वो तब तक रिसेप्टर के सरफेस पे बाइंड होगा जब तक रिसेप्टर सरफेस पे है। अगर रिसेप्टर सेल के अंदर है तो पहले उस ड्रग को सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर आना पड़ेगा और अंदर आने के बाद उस प्रेजेंट रिसेप्टर के यानी कि बाइंडिंग साइट पे आकर के अटैच होना पड़ेगा, तब जाकर के वो अपना एक्शन शो करेगा। यहां पे खास और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सेल का रिसेप्टर अंदर है, सेल के अंदर प्रेजेंट हुआ है, तो उस ड्रग मॉलिक्यूल को लिपिड सॉल्युबल होना पड़ेगा, उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी पड़ेगी, तभी वो बाहर से अंदर सेल को क्रॉस करता हुआ अंदर आएगा और अंदर प्रेजेंट बाइंडिंग साइट पर बाइंड हो पाएगा। तो ये उसकी जो सेकंड वर्ड है वो दिखाता है आपका लोकेशन क्या है, रिसेप्टर का लोकेशन क्या है, ऊपर है, सरफेस पे है या तो सेल के अंदर है। जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाले हैं, रिसेप्टर हैं, वो जनरली सेल के अंदर पाए जाते हैं। हमारा जो तीसरा वर्ड है वो है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब होता है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना, उसका पता लगाना। किसको पता लगाना? हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल को, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल को, ड्रग मॉलिक्यूल को, लिगेंड मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने का जो मेन और इंपॉर्टेंट काम है वही उस बाइंडिंग साइट यानी कि रिसेप्टर का है। इसको समझते हैं छोटे से डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ। अगर मैंने किसी को अपने यहाँ बुलाया है, किसी परिचित को अपने यहाँ बुलाया है, बट उनको मेरा एड्रेस नहीं मालूम, तो जब तक उनको मेरा एड्रेस नहीं मालूम है या जब तक वो मेरे यहाँ नहीं आ जाते हैं तो उनको बुलाने के पीछे जो मेरा पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसे पर्सन को उनको लेने के लिए रोड तक भेजता हूँ जो उनको पहचानता हो। तो वो रोड पे जब पहुँचेंगे, रोड मतलब ऑन द सर्फेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस पे पहुंचेंगे और मैं अंदर ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट हूँ, रूम में प्रेजेंट हूँ, तो वो जब सेल के सरफेस रोड पे पहुंचेंगे तो वहां से मूव कर रहे हजारों लोगों में से, तो हजारों सिग्नल में से केवल उन्हीं पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे जो मुझ तक आना चाहते हैं। तो वैसा ही हमारा जो रिसेप्टर है मूव कर रहे काफी सारे सिग्नल में से, केवल उन्हीं सेलेक्टिव सिग्नल्स को, मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करके अपने साथ लेकर के आएगा। और जब वो मेरे पास आएंगे, मतलब जब रिसेप्टर पे बाइंड होगा, तो जो मेरा पर्पस है वो रिस्पॉन्स है वो फुलफिल हो जाएगा।
तो तीसरा वर्ड है रिकॉग्नाइज, मतलब होता है उसको पहचानना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक रिसेप्टर का अपना एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक होता है जो उसी ड्रग के मॉलिक्यूल को अपने बाइंडिंग साइट पे ऑक्युपाइंस होने देता है। अगला जो वर्ड है वो मॉलिक्यूल है, ड्रग है या सिग्नल मॉलिक्यूल है। तो ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के, ये हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल हैं या ड्रग मॉलिक्यूल हैं। यही आगे जाकर के इस बाइंडिंग साइट पे बाइंड होंगे और अपना एक्शन शो करेगा। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंगल ड्रग, अगर आप सिर्फ ड्रग दे रहे हैं और वो ड्रग अपने रिसेप्टर पे ऑक्युपाई नहीं हो रहा है, बाइंड नहीं हो रहा है, तो उस ड्रग का कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा। बिल्कुल वैसा ही अगर रिसेप्टर है, अकेला है, अनऑक्युपाइड है, इस पे कोई ड्रग बाइंड नहीं हुआ है, तो वो भी रिसेप्टर अपना कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं देगा। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने के लिए उस ड्रग का उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होना, यानी कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये इन तीनों चीजों को फॉलो करके ही पॉसिबल है। देन एट द लास्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्स की। तो रिस्पॉन्स मतलब होता है वो इफेक्ट, जिस इफेक्ट को लेने के लिए या अचीव करने के लिए हमने ड्रग को या केमिकल सिग्नल को लिया हुआ है, और ये रिस्पॉन्स हमारा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फार्माकोडायनेमिक रिस्पॉन्स भी कहलाता है। फार्माकोडायनेमिक इसलिए क्योंकि ड्रग ने रिस्पॉन्स शो किया है, और हमने डेफिनेशन में देखा है फार्माकोडायनेमिक के व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, इसकी स्टडी फार्माकोडायनेमिक कहलाती है। तो ये जो रिस्पॉन्स है वो या तो एगोनिस्टिक रिस्पॉन्स होगा या एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स होगा, जिसको हम आगे आने वाले वर्ड के साथ देखेंगे। तो ये हो गया हमारे पांच वर्ड्स के उनके मीनिंगफुल सेंटेंस। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स की जो रिसेप्टर फार्माकोलॉजी के साथ हमेशा अटैच होंगे। आपको बार बार ये वर्ड्स समझ में आएगा, सुनने को मिलेगा, समझना जरूरी है क्योंकि इन वर्ड्स के हिसाब से ही हम रिसेप्टर के फार्माकोलॉजी को बहुत ही बारीकी से और अच्छे से समझ सकते हैं। हमने पहला वर्ड लिया है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब साथ साथ काम करने वाला, वैसा का वैसा काम करने वाला, वैसा ही रिस्पॉन्स शो करने वाला, लेकिन वैसा किसके जैसा, तो ये आपको बता रहा है विच एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड गिव इट्स रिस्पॉन्स अस सेम एज द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। मतलब एगोनिस्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो वो वैसा ही रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, वैसा ही रिस्पॉन्स शो करेंगे जैसा कि नेचुरल फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा होता। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। अगर हमारी बॉडी में कोई हिस्टामिन रिलीज हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी स्ट्रेस की वजह से, वो हिस्टामिन रिलीज होने के बाद ऑटोमेटिकली अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर, दैट्स कॉल्ड हिस्टामिन रिसेप्टर, वहां जाकर के बाइंड होगा और अपने एलर्जिक रिस्पॉन्स या जो उससे एसोसिएटेड रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स शो करेगा। बट किसी कारण से अगर आपको हिस्टामिन के रिलीज को ब्लॉक करना है, एंटागोनाइज करना है या स्टिमुलेट करना है, डिपेंड अपॉन द नीड एंड डिजायर ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग, वो ड्रग जो कि एगोनिस्ट का काम करेगा बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा कि नेचुरल हिस्टामिन बॉडी के अंदर सिक्रीट होने के बाद और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद करता था। इसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को समझ सकते हैं। ये रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट हैं और जो रेड कलर के हमने डिनोट किया हुआ है फिजियोलॉजिकल सिग्नल, जो नेचुरल सिग्नल है, वो अगर अपने रिसेप्टर से बाइंड होता तो वो अपना रिस्पॉन्स शो करता। तो अगर हम इस नेचुरल फिजियोलॉजिकल सिग्नल की जगह हम आर्टिफिशियल यानी कि ड्रग यानी कि सिग्नल को दे रहे हैं तो वो भी बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स शो करेगा जैसा कि प्रीवियसली हमारा फिजियोलॉजिकल सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे थे। इसे हम कहते हैं एगोनिस्ट। इसको हम एक डेली लाइफ एग्जांपल समझते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं फार्माकोलॉजी की क्लास लेता हूं और किसी कारण से अपनी क्लास नहीं ले पा रहा, अपनी क्लास को किसी और से इंगेज करा रहा हूं, किसी फार्माकोलॉजी के टीचर से, तो वो क्लास ले में जाएंगे, क्लास को एक्टिवेट करेंगे, जैसे यहां पे रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा था, उस क्लास को एक्टिवेट करेंगे और फार्माकोलॉजी की क्लास लेंगे और रिस्पॉन्स बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो ये उनका जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरा था, मतलब मैं नेचुरल या फिजियोलॉजिकल सिग्नल हूं और वो एगोनिस्ट थे, उन्होंने बिल्कुल सेम रिस्पॉन्स शो किया। तो वो एगोनिस्ट मतलब ऐसे एजेंट जो कि रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दें और सेम टू सेम वैसा ही फिजियोलॉजिकल सिग्नल के जैसा ही रिस्पॉन्स शो करें, तो ये एगोनिस्ट कहलाते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट और एगोनिस्ट में एक चीज कॉमन है, दैट इज एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब जो कि रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दें। नाउ दूसरा वर्ड लगा हुआ है जिसे हमने अंडरलाइन किया है वह है इनवर्स। इनवर्स मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एगोनिस्ट क्या होंगे, इनवर्स एगोनिस्ट क्या होंगे, इनवर्स एगोनिस्ट ऐसे एजेंट होंगे जो रिसेप्टर को एक्टिवेट तो करेंगे बट जो उनका रिस्पॉन्स होगा वो नेचुरल लिगेंड यानी कि हम बात करेंगे अगर एगोनिस्ट की तो एगोनिस्ट के रिस्पॉन्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। इसको समझने के लिए हमने एक और डायग्राम बनाया हुआ है, समझने के लिए समझते हैं। ये एगोनिस्ट है, अगर ये एगोनिस्ट अपने बाइंडिंग साइट पे बाइंड होता तो वो अपना रिस्पॉन्स टुवर्ड इट्स राइट साइड शो करता, बट अगर हम इसकी जगह इनवर्स एगोनिस्ट देते हैं तो ये इनवर्स एगोनिस्ट अपने बाइंडिंग साइट पे बाइंड होगा और एक्टिवेट तो करेगा, बिल्कुल एक्टिवेट करेगा, रिस्पॉन्स भी देगा, बट जो इसका रिस्पॉन्स होगा वो इसके डायरेक्शन यानी कि एगोनिस्ट के डायरेक्शन से ऑपोजिट होगा, अभी अपने लेफ्ट की ओर डायरेक्शन की ओर मूव करेगा। तो ऐसे सारे एजेंट जो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दें बट जो उनका रिस्पॉन्स है वो एगोनिस्ट के रिस्पॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में
हो तो हम इन्हें इनवर्स एगोनिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसी को कंटिन्यू करते हैं, अगर मेरी क्लास को कोई ऐसे टीचर इंगेज कर रहे हैं जो फार्माकोलॉजी से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, तो वो क्लास जाएंगे, क्लास को इंगेज करेंगे, यानी कि रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे, बट जो उनका रिस्पॉन्स होगा वो फार्माकोलॉजी के डायरेक्शन में नहीं होगा, वो उनके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उनके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट की डायरेक्शन में होंगे। तो उन्होंने मेरे डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अपना एक्शन शो कर दिया, तो ऐसे कहते हैं हम उन्हें इनवर्स एगोनिस्ट। एगोनिस्ट तो है, एक्टिवेट करेंगे, बट डायरेक्शन इनका अपोजिट होगा। अगला जो वर्ड है वह है एंटागोनिस्ट, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन फार्माकोलॉजी, स्पेसिफिकली इन रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। एंटागोनिस्ट कैसे होते हैं? एंटागोनिस्ट ऑल और दोस एजेंट विच प्रिवेंट द एगोनिस्ट टू बाइंडिंग इन ऑन इट्स साइट्स, मतलब ऐसे सारे एजेंट जो कि एगोनिस्ट को उसके स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट पे बाइंड होने से रोक दें, उन्हें बाइंड ना होने दें, तो इन्हें हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। और ये काफी हद तक इंपॉर्टेंस है फार्माकोलॉजी में, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, अगर कोई फार्माकोलॉजी का ही टीचर मेरी क्लास लेने जा रहा है, मतलब उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने जा रहा है, बट ड्यू टू सम रीजन स्टूडेंट्स क्लास लेना नहीं चाहते, करवाना नहीं चाहते हैं, तो वो उन टीचर को क्लास में जाने से पहले ही रोक देते हैं रिक्वेस्ट करके, तो वो टीचर उस क्लास में जा नहीं पाएगा, और जा नहीं पाएगा तो कोई भी एक्शन शो नहीं कर पाएगा। अगर वो जाता तो क्या एक्शन शो करते? अगर वो जाते तो शायद वो एगोनिस्ट के जैसा रिस्पॉन्स शो करते, या शायद पार्शियल एगोनिस्ट की तरह काम करते, या शायद इनवर्स एगोनिस्ट की तरह काम करते। ये तो तब पता चलता जब वो क्लास को इंगेज करते, अपने बाइंडिंग साइट पे बाइंड होते। चूंकि एंटागोनिस्ट प्रेजेंट है यहां पे, उस एंटागोनिस्ट ने, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एगोनिस्ट है, ये बाइंड हो सकता था और रिस्पॉन्स दे सकता था, लेकिन एंटागोनिस्ट के प्रेजेंस में एंटागोनिस्ट ने इनको उनके बाइंडिंग साइट पे बाइंड होने ही नहीं दिया, इसलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो एंटागोनिस्ट को सिंपली कह सकते हैं कि ऐसे एजेंट जो एगोनिस्ट को उसके रेस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट पे बाइंड होने ही ना दे, और जब बाइंड ही नहीं होगा तो ड्रग प्लस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब तक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा कोई भी रिस्पॉन्स वहां पे नहीं मिलेगा, कोई भी मतलब ना तो एगोनिस्ट का मिलेगा, ना इनवर्स एगोनिस्ट का मिलेगा, ना पार्शियल एगोनिस्ट का मिलेगा। तो एंटागोनिस्ट ने उसको उसके बाइंडिंग साइट पे बाइंड होने से पूरी तरह से रोक दिया। चलिए अगले बात पे आते हैं, हमारा जो अगला टर्म है वह है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट और एगोनिस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है? काफी कंफ्यूजन होता है कई लोगों को। एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट को समझना हो तो आप थोड़ी देर के लिए पार्शियल को हटा दें, तो एगोनिस्ट एगोनिस्ट तो दोनों सेम हो गए। तो एगोनिस्ट मतलब क्या हुआ, ये हमने पहले देखा कि जो कि रिसेप्टर को एक्टिवेट करे और बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स हो करे जैसा कि फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल करता था। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें पार्शियल है और इसमें पार्शियल नहीं है। पार्शियल नहीं है इसका मतलब है कि ये फुल एगोनिस्ट है जो पूरी तरह से अपनी एफिकेसी शो करेगा, 100% एफिकेसी शो करेगा, अगर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं तो पार्शियल एगोनिस्ट तो कभी भी फुल के जैसा काम नहीं करेगा। तो फुल की तरह काम नहीं किया मतलब इसने फुल को काम करने नहीं दिया, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम से हमने समझाने का प्रयास किया कि कैसे पार्शियल एगोनिस्ट अपना इफेक्ट शो करता है। ये रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट है, और लेफ्ट साइड जिसका हमने ब्लू कलर से डिनोट किया हुआ है ये हमारा फुल एगोनिस्ट है, और जो राइट साइड में रेड कलर के बॉक्स बने हैं वही हमारा पार्शियल एगोनिस्ट है। कंडीशन वन, अगर ये हमारा फुल एगोनिस्ट अपने रेस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट पे बाइंड होता तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता और फिर ये अपना रिस्पॉन्स शो करते। चूंकि ये फुल एगोनिस्ट है इसलिए ये अपने मैक्सिमम इफेक्ट शो करेंगे, और इनका जो डायरेक्शन ऑफ ड्यूरेशन है वो थोड़ा ज्यादा होगा, फुल होगा, इसे हमने समझाने के लिए डिनोट किया हुआ है। बट ड्यू टू सम रीजन ये फुल एगोनिस्ट की जगह उससे पहले या उसके बदले हमारा पार्शियल एगोनिस्ट आकर के इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। क्योंकि बाइंडिंग साइट एक ही है और वो जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय पार्शियल एगोनिस्ट है, इसलिए फुल एगोनिस्ट होकर भी वहां पे जाके बाइंड नहीं हो पाएगा जब तक कि उसका डोज या कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा ना हो। तो हम बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन की, तो ये फुल एगोनिस्ट नहीं बाइंड हो पा रहा है क्योंकि यहां पे पार्शियल एगोनिस्ट ने इसकी जगह को ले लिया है। चूंकि पार्शियल एगोनिस्ट बाइंड हो चुका है इसलिए वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, लेकिन वो पार्शियल है इसलिए वो पूरी तरह से उतना रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा जितना कि अगर फुल एगोनिस्ट बाइंड होकर के रिस्पॉन्स शो करता, इसलिए पार्शियल एगोनिस्ट कम रिस्पॉन्स शो कर रहा है। इसकी वजह से इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है? इसकी वजह से इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है कि फुल एगोनिस्ट बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो कह सकते हैं कि पार्शियल एगोनिस्ट ने फुल एगोनिस्ट को बाइंड होने से रोक दिया, यानी कि पार्शियल एगोनिस्ट ने फुल एगोनिस्ट के लिए यहां पे पर्टिकुलरली एंटागोनिस्ट का काम किया, क्योंकि इस एंटागोनिस्ट के डेफिनेशन में हमने देखा कि इसने फुल एगोनिस्ट को बाइंड होने से रोक दिया। तो इस तरह हम समझ सकते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल मतलब ही क्लियर है कि आंशिक, थोड़ा, कुछ पार्ट, नॉट 100%, और फुल मतलब फुल, जो भी इसकी स्ट्रेंथ होगी उसकी फुल और इसका उसका थोड़ा सा पार्ट। अगला हमारा जो वर्ड है वह है लिगेंड, इसे ही हम कहते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल, या फिर हम बोल सकते हैं ड्रग मॉलिक्यूल, जो सेलेक्टिवली अपने रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिवली? हमने इसको समझाने के डिफरेंट डिफरेंट शेप के ड्रग मॉलिक्यूल यानी कि लिगेंड मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। ये लिगेंड मॉलिक्यूल उसी बाइंडिंग साइट पे बाइंड होंगे जिस बाइंडिंग साइट का स्ट्रक्चर इनकी स्ट्रक्चर से मैच करेगा, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी या सेलेक्टिविटी होगी, तभी ये दोनों जाकर के ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे और अपना एक्शन शो करेंगे। सो
इन दिस व्हाइट बोर्ड हमने आज सिंपली बात किया, स्पेसिफिकली ग्रुप से छोटे से तरीके से बात किया रिसेप्टर के डेफिनेशन, उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की मीनिंग और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और लिगेंड की, जो कि रिसेप्टर फार्माकोलॉजी में या पूरी फार्माकोलॉजी में आपको हजार बार आप सुनने को मिलेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मिलेंगे। तो एंटागोनिस्ट मतलब जो बाइंड करे, एगोनिस्ट मतलब जो उसी तरह से काम करे, और यही दो चीज खासकर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट काफी ज्यादा हमारे इस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में यूज होते हैं। सो आज का प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, कोई सजेशन हो, कोई इंप्रूवमेंट हो तो हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी के फेसबुक ग्रुप में जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसमें बहुत सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, वो सारे सारे आप फाइल सेक्शन से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, और आप अपना मेल आईडी भी रजिस्टर करा सकते हैं solutionpharmacy@gmail.com में, तो उसके बाद आपको हर एक महीने के एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के पीडीएफ, कुछ एनिमेटेड वीडियो आपको रेगुलरली बिना किसी चार्ज के आपके मेल आईडी पे डिलीवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी आर एक्सपेक्टिंग योर सपोर्ट, थैंक यू।